वेलकम गाइज इन एपिसोड ऑफ फुटबॉल यूनाइटेड। तो गाइज बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, बहुत ही सैड न्यूज़ आ रही है लियोनेल मेसी के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। तो ऑफिशियली एफसी बार्सिलोना ने कह दिया है कि वो लियोनेल मेसी को साइन नहीं कर सकता है। तो गाइज क्यों नहीं साइन कर सकता है, क्या रीज़न्स है, ऑफिशियली स्टेटमेंट क्या है एफसी बार्सिलोना का, एफसी बार्सिलोना के प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, तो गाइज सब कुछ इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज इस एपिसोड को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज आपको पता ही होगा कि 30 जून को लियोनेल मेसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका था एफसी बार्सिलोना के साथ। तो गाइज कुछ वेजेस की प्रॉब्लम आ रही थी एफसी बार्सिलोना में। तो गाइज एफसी बार्सिलोना ने अपने प्लेयर्स को वेजेस कम करने को कहा, क्योंकि गाइज कुछ प्लेयर जैसे कि ग्रीज़मैन, जेरार्ड पिक जैसे कुछ और प्लेयरों ने अपने वेजेस कम कर लिए, और तो और लियोनेल मेसी ने भी अपने 50% वेजेस कम कर लिए ताकि प्लेयर रजिस्टर हो सके और डील हो सके। तो गाइस थर्सडे 5 अगस्त को लियोनेल मेसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होना था एफसी बार्सिलोना के साथ। तो गाइस उस दिन बार्सिलोना कहती है कि डील नहीं हो सकती है बिकॉज ऑफ ला लीगा रेगुलेशन। तो गाइस उसके बाद एफसी बार्सिलोना अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करती है जिसमें लिखा होता है कि एफसी बार्सिलोना और लियोनेल मेसी दोनों ही एग्री है डील साइन करने में, बट डील नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ ला लीगा रेगुलेशंस। तो गाइज ला लीगा रेगुलेशंस क्या है? तो गाइज हर साल ऑडिट होता है ला लीगा के क्लब्स में ये जानने के लिए कि क्लब ने कितना अमाउंट स्पेंड किया है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कहां कहां से रेवेन्यू आया है क्लब के पास। तो गाइज इसी से ही एक अमाउंट बनता है जिसमें हर क्लब को अपने प्लेयर्स के वेजेस को एडजस्ट करना पड़ता है। तो गाइस ऑडिट के बाद जो एफसी बार्सिलोना के लिए अमाउंट जनरेट हुआ वो 160 मिलियन यूरोस का था। तो गाइस एफसी बार्सिलोना को अपने प्लेयर के वेजेस 160 मिलियन में ही एडजस्ट करना था। तो जैसे कि आपको पता है गाइस एफसी बार्सिलोना ने साइन किया है सर्जियो एग्वेरो, एमर्सन, एरिक गार्सिया और मेम्फिस डिपे को। तो गाइस इन सब के वेजेस और लियोनेल मेसी के वेजेस को भी ऐड करके ये अमाउंट 160 मिलियन प्लस जा रहा था। तो इसी के चलते ये डील साइन नहीं हो पाई है। तो गाइस ला लीगा अपने 10% टीवी राइट्स सीवीसी नाम की एक कंपनी को बेचने जा रही है 50 साल के लिए। तो गाइस इस पे एफसी बार्सिलोना का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने एफसी बार्सिलोना ने कहा है कि वो इस डील को एग्री नहीं करने जा रही है, क्योंकि ला लीगा ने ला लीगा के एक भी क्लब से इस डील के बारे में डिस्कस नहीं किया है। अगर गाइस एफसी बार्सिलोना इस डील को एक्सेप्ट भी कर लेती है तो इन 50 इयर्स में बार्सिलोना को 800+ मिलियन का लॉस होगा। तो गाइस ये सिंपल सा ही रीज़न है कि एफसी बार्सिलोना इस डील को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो गाइस 6 अगस्त फ्राइडे को एफसी बार्सिलोना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जिसमें एफसी बार्सिलोना प्रेसिडेंट जॉन लापोर्टा ने कहा है कि वो लियोनेल मेसी को साइन नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ला लीगा रेगुलेशंस के कारण। और तो उन्होंने ये भी बताया कि ला लीगा ने उनके सामने 2 शर्तें रखी है अगर वो लियोनेल मेसी को साइन करना चाहते हैं। तो गाइस जो फर्स्ट है वो ला लीगा ने जो सीवीसी कंपनी को राइट्स बेचने जा रही है उसे एक्सेप्ट कर ले, और तो और गाइस सुपर लीग यूरोपियन सुपर लीग को वो रिजेक्ट कर दें। तो गाइस इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एपिसोड को देख सकें।